हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू के बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे इग्नू बीएड के बारे में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बहुत टाइम से। लाइक जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका जो फॉर्म निकलता है वो साल में कितने बार निकलता है, ठीक है, कितने बार फिल होता है एग्जामिनेशन फॉर्म, और जो ये एग्जाम होता है वो कब होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब निकलता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसका पैटर्न कैसा होता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इग्नू बीएड से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जिसमें कंप्लीट डिटेल में बात की जाए इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा इग्नू बीएड के बारे में। इग्नू बीएड जो है ये एक ओपन बीएड है, मतलब कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग। इसमें आपको रोजाना पढ़ने नहीं जाना पड़ता है। इसमें सिंपली संडे सैटरडे को आपको स्टडी सेंटर पे विजिट करना पड़ता है। इसमें जो इंटर्नशिप होता है, वर्कशॉप होता है, सभी चीज़ें, सभी कॉम्पोनेंट मतलब कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग से है। रेगुलरली आपको विजिट नहीं करना पड़ता है। तो बहुत सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लाइक जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, एलिमेंट्री स्कूल के, वो इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि मतलब कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसका बहुत ही मतलब आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है NAC A++। इसको NAC A++ का मतलब यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल रखा है, ठीक है। तो एक प्रेस्टिजियस ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया की। तो यहाँ से सभी स्टूडेंट करना चाहते हैं, लेकिन हर साल इसका जो कंपटीशन है, मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जाम है, वो टफ होता जा रहा है। तो देखिए, जो इसका मतलब एग्जाम फॉर्म निकलता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म, वो साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार निकलता है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं कि सर, इसमें तो एडमिशन 2 बार में होता है, 1 जनवरी में, 1 जुलाई में। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो इसमें एडमिशन होता है सिर्फ और सिर्फ जनवरी सेशन में होता है, दैट्स इट। और जो एग्जाम फॉर्म निकलता है वो दिसंबर में निकलता है। लाइक अभी जो 2023 में एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है, जनवरी 2023 के लिए, ठीक है, इनके एग्जाम फॉर्म कब निकले थे, दिसंबर 2022 में। वैसे अब जनवरी 2024 के लिए जो एडमिशन होगा उसका जो एग्जाम फॉर्म निकलेगा दोस्तों, वो दिसंबर 2023 में निकलेगा। यानी दिसंबर में एग्जाम फॉर्म निकलता है और फिर मतलब नेक्स्ट जनवरी में जाके एडमिशन का जो मतलब प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है उस सेशन के लिए। जनवरी फरवरी तक एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर मतलब मार्च के एंड या अप्रैल में आपके रिजल्ट आते हैं, फिर जून तक आपके मेरिट लिस्ट आते हैं, और मेरिट लिस्ट आने के बाद फिर आपके 15 डेज तक काउंसलिंग सेशन चलते हैं और फिर एडमिशन होता है। देखिए दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए क्लियर हो गया आपको कि जो मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है साल में एक बार होता है, और एग्जाम फॉर्म हमेशा ही मतलब कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो दिसंबर में निकलता है जनवरी के लिए। जो मतलब नेक्स्ट ईयर का जनवरी होगा, ठीक है, उसके लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो पिछले वाले दिसंबर में निकलेगा। जैसे कि अभी 2023 में जो एडमिशन हो रहे हैं उसके लिए दिसंबर में एग्जाम फॉर्म निकले थे, मतलब फिल हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2022 में। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो इसका सिलेबस होता है वो सिंपल होता है, 10th तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी होती है, दैट्स इट। मतलब कि साइंस, उसमें सोशल साइंस सब कुछ आता है, मैथमेटिक्स, लेकिन हर साल एग्जाम जो है वो टफ होता जा रहा है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप सिर्फ और सिर्फ इग्नू पर निर्भर ना रहे। मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टूडेंट बहुत ही सारा अपना टाइम वेस्ट करते हैं और फिर उनको कुछ हासिल भी नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और फिर भी नहीं होता है। मैंने बताया ना आपको, मेरिट लिस्ट बहुत ही हाई जा रही है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, मतलब कि स्टूडेंट को बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है। और जो इसका मतलब एडमिशन का सेशन है पूरा जनवरी से, मतलब जनवरी नाम है सिर्फ, एडमिशन कब हो रहा है, जुलाई में जाकर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरे 6 से 7 महीने का गैप है। तो इस गैप के बीच अगर आपको सिर्फ डिग्री ही चाहिए, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इग्नू से बीएड करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलती है। हाँ, मतलब नाम है A++, इसको नेक सर्टिफिकेट मिल रखा है इग्नू का, और ये सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा इसका नाम है, डिग्री की वैल्यू है, मान सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, मतलब थोड़ा आप कैलकुलेशन कीजिए और डिसाइड कीजिए आपको क्या चाहिए। आप एक ऑलरेडी टीचर हो, आपके पास मतलब एक्सपीरियंस है, आप एलिमेंट्री टीचर हो, प्राइमरी टीचर हो, आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए ताकि आप प्रमोशन ले सको या फिर मतलब आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सको बीएड के बेस पे। तो आपको डिग्री चाहिए, दैट्स इट। मतलब आपको कोई रियल एक्सपोजर नहीं चाहिए, यहाँ पर मिलता भी नहीं है। आपको पता है रेगुलर और ओपन यूनिवर्सिटी में एक ही फर्क है कि आप रेगुलर यूनिवर्सिटी में रोजाना विजिट करते हो, वहां पर लोगों से इंटरेक्ट करते हो, जिससे कि आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है। तो इग्नू में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री मिलती है। तो जब आपको डिग्री चाहिए तो आप किसी और ओपन यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हो। 7 महीने का लंबा टाइम क्यों इंतजार करोगे? मतलब कि इन 7 महीने के बीच मान लीजिए आपका एडमिशन नहीं होता है किसी भी एक डॉक्यूमेंट के एरर के कारण या किसी भी एरर के कारण,
तो आपके तो 7 महीने बर्बाद गए। फिर से 6-7 महीने आपको और वेट करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर से आपको एडमिशन का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में बात किया है कि इंडिया में और कौन कौन सी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं जो मतलब कि इग्नू की तरह ही ओपन बीएड प्रोवाइड करती हैं, ओडीएल मोड में बीएड प्रोवाइड करती हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।